इज्जत से बढ़कर पीरापुर की जमीन और कुछ नहीं मांगती। अल्लाह यार कहता है कि गुलाम रसूल की बेटी बदचलन है, इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। मगर हुजूर। खामोश, बात मुकम्मल करने दो। फीस में दोबारा बोला तो जुबान खिंचवा दूंगा तेरी। पीरापुर की बेटी और बदचलनी का इल्जाम, जुबान काट दो अल्लाह यार की। सरकार, राम सरकार, सरकार मुझे माफ कर दो, सरकार, सरकार मुझे माफ कर दो, सरकार मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? हाँ, हमारी औरतें अपनी इज्जत की हिफाजत अपनी जानों से ज्यादा करती हैं। तूने गुलाम रसूल की बेटी धोखा दी थी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो सरकार, मुझे माफ कर दो। सारा पैसा ढोर डंगर वापस कर दे अल्लाह यार, और गुलाम रसूल की बेटी को बहू बना के फौरन अपने घर ले जा। हाँ, 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 आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर, बस बस इस गुस्ताख ज़बान को माफ कर दो सरकार, माफ कर दो। वाह 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 वाह, क्या इंसाफ फरमाया है शाज़ेब हुजूर। बंदर का तमाशा लगा रखा है। अल्लाह यार, ये तुझे क्या बख्शेंगे, ये खुद अपने लिए अभी तक इंसाफ नहीं ले पाए हैं। इनके अपने पैरों के नीचे से इनकी जमीन को जो खींच लिया गया है। होश में रहकर बात करो मुराद, लगता है हर बार की तरह नशे में हो। होश में तो आप नहीं हैं बड़े भाई हुजूर, नशा तो अभी तक आपका नहीं उतर रहा है। आपकी बेताज हुकूमत के दिन अब नहीं रहे। गद्दी पर चाहे कोई भी हो, मुझसे मेरी पंचायत का किसी का बाप नहीं छीन सकता। अच्छा, अगर ऐसा कर सकते हैं तो जाकर पूछें उस बाप से कि क्यों उसने हाकिम बी को हवेली से निकाल बाहर किया है। ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं। सरकार, सरकार, मेरे लिए क्या हुकुम? दफा हो जा।